तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, ये वाला शार्क है और इसका यहाँ पे 200 रुपी के जी बोल रहा है, मतलब 200 रुपये किलो का, तो काफ़ी सस्ता है दोस्तों मेराइन फिश के अगर कंपेयर करें तो। हाय दोस्तों, मैं हूं तामेश्वर और मेरे इस तामेश्वर फिशरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग आए हैं कर्नाटक, और कर्नाटक में मैंगलोर, जहां पे हम लोग अभी फिश मार्केट का विजिट करने वाले हैं और दिखाएंगे आप लोगों को कि यहां पे कौन कौन सा फिश मिलता है। मैं आप लोगों को लोकेशन दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ पर हैं अभी। बस स्टैंड है और यहीं पर ही है फिश मार्केट, तो चलो जाके देखते हैं कि वहाँ पर क्या क्या फिश है। ये जगह मेराइन सेक्टर वाला है, मतलब कि पास में ही समुद्र है, तो आपको मोस्टली यहाँ पे समुद्री मछली दिखाई देगा। तो चलो दोस्तों चलते हैं, देख सकते हो स्टेट बैंक है ये, मैं आप लोग को जाके दिखाता हूँ कौन कौन सा फिश मिलेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो अभी ये वेजिटेबल मार्केट है और इसके जस्ट पीछे ही फिश मार्केट है ये वाला। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये है मंगलुरु का फिश मार्केट, बहुत बड़ा मार्केट है और यहाँ पर आपको मोस्टली मेराइन फिश ही मिलेगा। तो चलो दिखाता हूँ क्या क्या स्पीसीज मिल सकता है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये वाला जो दिख रहा है ये स्क्विड है दोस्तों, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये स्क्विड, पॉम्फ्रेट है ये, और ये वाला देख सकते हैं श्रिंप है, ये वाला देख सकते हो दोस्तों, ये बाइवाल्व है सेलफिश, और ये भी यहाँ बिकता है। देख सकते हो यहाँ पे लेडीज़ हैं, मतलब कि जो आंटी लोग हैं यहाँ पे सब मार्केटिंग करते हैं, और हमारे साइड हम लोग देखते हैं मोस्टली जेंट्स लोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप लोग को सभी जगह जो लेडीज़ हैं उन्हीं लोग मिलेंगे मार्केटिंग करते हुए। तो ये साउथ का एक बहुत ज़्यादा अच्छा चीज़ है दोस्तों, देख सकते हो, और यहाँ पे आप लोग को मिलेगा ये सब पॉम्फ्रेट है, और यहाँ पे सभी फिश को प्रॉपर आइसिंग करके रखा गया है, मतलब फ्रेश रखने के लिए, देख सकते हो दोस्तों, मतलब कि यहाँ हाइजीन का भी बहुत ध्यान दिया गया है, यहाँ पर सब आइस में पैक करके रखे हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप का यहाँ पे फिश है, मैं आप लोग को दिखाने का कोशिश करूँगा। ये लिजार्ड फिश है, लिजार्ड फिश जिसको हम लोग सौरीडा टुम्बिल बोलते हैं साइंटिफिक नेम, और यहाँ पे देख सकते हो एक फिश कटा पड़ा हुआ है, ये मेरे ख्याल से एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से ये वाला फिश कोबिया लग रहा है। तो देख सकते हो दोस्तों, ये वाला है मंगलुरु फिश मार्केट, और बहुत ही अच्छा मेंटेन किया गया है फिश मार्केट को, और सभी जो फिश है मेराइन फिश है उसको आइस से प्रिजर्व करके रखे हैं, ख़राब मत हो करके। वो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाता हूँ आपको घूम के, कितना सुंदर है फिश मार्केट यहाँ का। और यहाँ पे हम लोग को INC दिख रहा है, देख सकते हो यहाँ पे, यहाँ सार का भी फिश है, तो मैं पूछ के देखता हूँ कि उसका क्या रेट है यहाँ पे अभी। तो देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आपको मेराइन फिश के अलावा भी हमारा जो इनलैंड वाला फिश है, मतलब फ्रेश वाटर, वो भी यहाँ देखने को मिलेगा। ये वाला देख सकते हो रोहू है, और ये कटला है। तो मैं जब इनका रेट पूछा कितना रुपए केजी यहाँ पे, तो ये आंटी बता रही है यहाँ पे 150 रुपये किलो का है, सस्ता ही है दोस्तों, हमारे साइड भी उतना ही बिकता है, ज़्यादा महंगा नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये वाला शार्क है और इसका यहाँ पे 200 रुपी केजी बोल रहा है, मतलब 200 रुपये किलो का, तो काफ़ी सस्ता है दोस्तों मेराइन फिश के अगर कंपेयर करें तो। और ये वाला स्क्विड है दोस्तों, देख रहे हो, पहले भी मैं आपको दिखाया हूँ स्क्विड, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये डिफरेंट वैरायटी का फिश रखा गया है, और ये अन्ना यहाँ पे बेच रहे हैं फिश को, और मैं इनसे पूछता हूँ कि कितना रुपए है। तो ये वाला मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे किंग फिश है ये, कितने का बोले अन्ना इसको? 300 रुपये। ये किंग फिश का 300 रुपये के जी बोल रहा है, और ये मैकरेल का कितना बोले अन्ना? 220 बोल रहा है, इसका 220 रुपये बोल रहा है, तो काफ़ी सस्ता है दोस्तों यहाँ पर अगर मेराइन फिश का बात करें तो, और काफ़ी टेस्टी फिश है ये दोनों, अगर देखे तो किंग फिश और मैकरेल। इसको क्या फिश बोले अन्ना? इसको मुरमिन बोलता है, यहाँ पे मुरमिन बोलता है इसको, लेकिन साइंटिफिक नेम मेरे भी नहीं पता। और इनका कितना बोल रहे हो? कितना रुपए केजी? केजी का 150। अच्छा, केजी में 150 का बोल रहा है, यहाँ का लोकल मछली करके बता रहे हैं अन्ना। तो देख सकते हो दोस्तों, और साथ में आप लोग को यहाँ पर पंगास भी मिलेगा, ये और पंगास है, और पाकू है जो हम लोग फ्रेश वाटर में खाते हैं, साथ में कटला भी है, कटला है, हाँ, पाकू का यहाँ पे 150 बोल रहा है, और इसका पंगास 150 भी, तो पाकू और पंगास को यहाँ पे 150 बोल रहे हैं अन्ना। और ये कौन सा है अन्ना? इसको हम लोग स्टिंग रे बोलते हैं, टच करके देखो,
क्या बोलते हैं इसको, संगर मछली बोलते हैं इसको। ये स्टिंग रे है, मैं आप लोग को बताना चाहूँगा साइंटिफिकली हम लोग बोले तो ये स्टिंग रे है। यहाँ पे उसका पूंछ होता है, उसको यहाँ पे काट चुके हैं इन लोग, नहीं तो ये बहुत बड़ा लंबा होता है और हाँ इसीलिए इसको स्टिंग रे भी बोलते हैं। देख सकते हो आप लोग इसका कितना बोल रहे वरना, 150, इसका 150 रुपये किलो। तो देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी सस्ता फिश है ये। और ये कौन सा है ना, अच्छा ये वाला देख सकते हैं दोस्तों, ये काफ़ी टेस्टी होता है, डिस्को फिश है ये। देखने में कितना बड़ा बड़ा आँख दिख रहा है इसका, देख सकते हो। ये कितने का है, 150, इसका भी 150 है डिस्को फिश का भी। तो देख सकते हो दोस्तों काफ़ी मेंटेन करके रखे हैं अन्ना, अगर किसी को लेना है तो अन्ना के पास आप लोग आके ले सकते हो मछलियाँ। तो आप लोग को मैं एक चीज़ दिखाता हूँ दोस्तों, ज़बरदस्त ये क्लेम है, देख सकते हो क्लेम बोलते हैं इसको, ये बाइवाल्व है। यहाँ से जब इसको हम लोग अगर हम लोग पकाते हैं इसको तो यहाँ से ओपन करके यहाँ जो एनिमल रहता है इसके अंदर उसको निकाल के पकाते हैं, या तो डायरेक्टली इसको हम लोग बॉईल करके भी एनिमल को बाहर कर सकते हैं दोस्तों। तो देख सकते हो ये बहुत ज़्यादा आपको इस मार्केट में मिलेगा। कितने रुपए का केजी है आंटी, है 100, इसका 100 रुपए केजी बोल रही है। तो एक तरफ से अगर देखा जाए तो ये काफ़ी सस्ता है ये, तो ये भी इस मार्केट में आपको मिलेगा। काफ़ी सुंदर दिख रहा है दोस्तों, काफ़ी अट्रैक्टिव खाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो कि कौन कौन सा यहाँ पे वैरायटी है। अगर दोस्तों ये वीडियो मेरा आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।